उच्चारण उच्चारण का महात्म्यम उच्च स्थान हरे है परम ईश्वर का पश्यत जरा देखो पुत्र कहा हे मेरे पुत्रवत सेवकों अजामिलोपी अजामिल जो महापापी था ये न जिसके कीर्तन से एवं निश्चय ही मृत्यु पाशात मृत्यु की रस्सियों से अमुच्यत छूट गया। अनुवाद हे मेरे पुत्रवत सेवकों जरा देखो ना हे मेरे पुत्रवत सेवकों जरा देखो ना भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। तात्पर्य हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम का निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का यथेष्ट प्रमाण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया है हरे नाम इव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्म कांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता, ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने संस्तुति की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहागणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ भक्तों का इसके जितने भी सब भक्त हैं मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ क्योंकि यहाँ आके बहुत डर लगता है लेकिन फिर भी जो आप सब से सीखा है जिस पर गंगा के जल से हम गंगा की उपासना करते हैं तो वैसे ही आप जितने वरिष्ठ भक्तों से जो कुछ भी सीखा है तो उसको प्रस्तुत करके जो है आपके द्वारा दी गई शिक्षा का मैं सम्मान कर सकूं और इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पर विशेषकर भगवान नाम की इस महिमा का कुछ व्याख्यान कर सकूं।
नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र कह अजामि लोप ये नैव मृत्यु पाशाद मुच्यत। यमराज कह रहे हैं मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो ना भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। परम पापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण का स्मरण किया और इस तरह से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। तो ये कथा तो अभी कई दिन से यहाँ पर चल रही है। सभी भक्त जानते हैं कि किस प्रकार अजामिल की रक्षा की गई विष्णु दूतों के द्वारा, और यमदूत बड़े हताश होकर के यमराज जी के पास पहुँचते हैं और कि पहली बार ऐसा कभी हुआ था कि उनका कार्यक्रम विफल हो गया हो किसी को लाने का जो प्रोग्राम है। तो वो पूछते हैं कि आपके अलावा भी कोई सेवक है, तो यमराज उनको उपदेश देना शुरू करते हैं। पिछले ये उनके उपदेश का 12वां श्लोक है, इससे पहले बताते हैं कि किस प्रकार भगवान जो हैं वो सबके स्वामी हैं इंक्लूडिंग यमराज के भी, और किस प्रकार वो परम नियंता हैं, किस प्रकार प्रत्येक जीव को पूरी सृष्टि को भगवान नियंत्रित करते हैं, और इस तथ्य को कौन जानता है, द्वादश महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर व्यासकी वयम, और फिर भगवान की महिमा, भगवान का नियंत्रण महाजन जानते हैं, और महाजनों का धर्म किस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, जितने विष्णु दूत हैं वो सदैव उनकी रक्षा करते हैं, और फिर भगवान नाम की महिमा। तो जो कल पिछला श्लोक था 22वां श्लोक है, वहां से अब यमराज अगले कई कुछ श्लोकों के अंदर जो है भगवान के नाम का एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि इस नाम की क्या महिमा है। वो कह रहे हैं कि भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। मतलब जो टॉप मोस्ट धर्म है, रिलीजियस प्रिंसिपल है, वो क्या है, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। भजने श्रेष्ठ मध्य नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सभी भजन में, सही प्रकार की तपस्याओं में, भजन में, पूजन में सर्वश्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति। और क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, कि उस नवदा भक्ति के अंदर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम है, कृष्ण प्रेम को और कृष्ण को देने की महाशक्ति है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन, कि यदि कोई निरपराध भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, जप करता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमल को प्राप्त करता है। और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, नाम उच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र काह। तो यमराज की भी एक अपने सेवकों के प्रति, यमदूतों के प्रति पुत्रवत स्नेह है ना। तो उस स्नेह में वो क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं मेरे सेवकों, पर क्या कह रहे हैं, हे मेरे पुत्रवत सेवकों, मतलब आप मेरे पुत्र के समान हो। तो यमराज ने रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यमराज बोल सकते थे तुम्हें इतना भी नहीं पता, बेवकूफ है बिल्कुल, है ना, कि भाई विष्णु दूत है, या बोल सकते थे ऐसे कैसे, कौन तुमसे हरा गया, लेकिन नहीं, उनको बड़े प्रेम से वो समझा रहे हैं। और क्योंकि उनको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ था वहां जाकर के, पहली बार ही, मतलब आप लगाइए कोई टीम हो जो हमेशा मैच जीतती हो, हमेशा कोई भी मैच हो किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ हो, पहली बार ऐसा कभी हुआ कि उनको कभी पराजय या विफलता महसूस हुई हो। तो यमराज उनसे बड़े प्रेम से, लेकिन विष्णु दूत के बारे में सुनकर यमराज बहुत हर्षित भी हुए, और यहाँ पे उनको जो है वो भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं कि पुत्र का। तो ऐसे हम भी जब जब ऐसे किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो, वरिष्ठ की पोजीशन पे हो, तो लीडर्स का कार्य है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट करना, उनको शिक्षा देना, चाहे करेक्ट भी करना हो, लेकिन करेक्ट करना एक बात है और रिजेक्ट करना दूसरी बात है ना। तो रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे सेवक कभी कोई गलती भी करे, है ना, पुत्र हो शिष्य हो, तो उसको कभी प्रेम से बताना पड़ता है, कभी सिखाना पड़ता है, तो कभी डांटना पड़ता है, लेकिन रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि तस्मात पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तो लालयेत, कि पुत्र और शिष्य को कभी कभी डिसिप्लिन करना पड़ता है, डिसिप्लिन करने से, अनुशासित करने से जो है उसके अंदर
गुण निकल के आते हैं, ताड़ने बहवो दोष, लालने बहवो दोषा, ताड़ने बहवो गुणा। कि यदि कोई पैम्पर करेंगे तो क्या होगा, उनके दोष बढ़ेंगे, है ना, और यदि डिसिप्लिन करेंगे, अनुशासित करेंगे, तो उनके गुण निकल करके आएंगे, हो सकता है उस समय टॉर्चरस हो। तो इसीलिए यमराज एक बहुत ही आदर्श लीडर हैं, वरिष्ठ हैं। कलयुग में उल्टा होता है जनरली स्पीकिंग, मतलब मैं वैष्णव समाज की बात नहीं कर रहा, बट इन जनरल आप देखिए जो भी वरिष्ठ की पोजिशन पे है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं जनरली। आप कॉलेज में जाएंगे तो सीनियर्स क्या करेंगे, जूनियर्स की रैगिंग करेंगे, है ना, मतलब जूनियर्स आर सपोज टू प्रोटेक्टेड। या कोई नेता बन जाएगा तो समाज के लोगों का शोषण करेंगे, लेकिन वास्तविकता में इसका विपरीत होना चाहिए कि जो आपके आश्रित हों उनका आपने संरक्षण करना है, ना कि शोषण करना है। फिर अब आगे अजामिलोपि येनैव मृत्यु पाशाद अमुच्यत, कि देखिए हरि नाम की महिमा कि अजामिल अनजाने में वो बिल्कुल भी नारायण को नहीं बुला रहा था, सिर्फ नारायण के नाम का उच्चारण किया है बिना जानते हुए, अज्ञानता में उसने जाप किया, अपने पुत्र को बुला रहा है, इनफैक्ट भगवान को भी नहीं बुला रहा है, लेकिन फिर भी केवल उच्चारण करने मात्र से भगवान का स्मरण हो गया और मृत्यु के पास से उसे बचा लिया गया, है ना। तो इतना बड़ा, तभी प्रभुपाद जी ने जो बुक ली उसका नाम क्या लिखा था, सेकंड चांस। अजामिल को एक दूसरा अवसर प्राप्त हुआ जो है अपने जीवन को परफेक्ट करने के लिए। तो इस बात को बता रहे हैं, अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। शोध मतलब रिसर्च, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग रिसर्च इन अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कि भगवान का नाम इतना महान है कि अजामिल की जो कथा है वो हमें क्या सिखा रही है कि देखिए न जानते हुए और बुढ़ापे ऑलमोस्ट मरणासन जब वो डेथ बेड पे है और बिना किसी श्रद्धा के अजामिल जप कर रहा है, तो यदि हम श्रद्धा से ज्ञान से और जब हमारे पास जीवन शेष है उस समय हम अगर हरि नाम का जप करें तो हमारे तो कितनी ही रक्षा हो सकती है कि नहीं। तो ये इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अजामिल की जो कथा है, ये जो इतिहास है, यह है सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण प्रमाण है भगवान के नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए। अब इस विषय में कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग बात है। आजकल हमारे कुछ भक्त हैं तो वो लोग साइंटिफिक कम्युनिटी को और इन जनरल हरिनाम की महिमा को और स्थापित करने के लिए कई प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अभी कर रहे हैं, है ना, और अच्छा है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो अगर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के अंदर सनातन धर्म का यदि कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो केवल और केवल सारे मायावादी हैं, है ना। इधर एक भी अभी तक वैष्णव स्कॉलर सनातन धर्म का प्रतिनिधि नहीं है, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और हिंदुत्व का या सनातन धर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी केवल ये विवेकानंद जी का जो मिशन है वहाँ पे सभी जितने भी डॉक्टरेट्स पीएचडीज इत्यादि हैं। तो हमारे कई वैष्णव जो कि डॉक्टरेट्स हैं इस्कॉन के भक्त, वो प्रयास कर रहे हैं कि तो इस प्रकार की रिसर्च करने से, क्योंकि आजकल के कलयुग में लोगों को क्या है ना कि जहाँ बोलेंगे विश्वास करो शास्त्र पे करो तो बोलेंगे तो माइथोलॉजी है, ब्लाइंड फेथ है, ये है वो है, लेकिन अगर कोई साइंटिफिक शोध करके बताया जाए तो ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो उन लोगों के लिए है जो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कथा है प्रपत कह रहे हैं कि भगवान के नाम की शक्ति का संपूर्ण प्रमाण है ये अजामिल की कथा जो है, और इसीलिए कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्या परामर्श दिया है, हरेर नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। तो क्योंकि प्रभुपाद जी ने सीधा लिखा ही है कि इसमें कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों रिसर्च करूं और कुछ। तो श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्याय 7 में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिनाम की दिव्य महिमा का वर्णन करते हैं, तो मैं उसी से ही दोहराने का मैंने सोचा। महाप्रभु वाराणसी जाते हैं और
वाराणसी जो है मायावादियों की नगरी है, तो वहाँ पे सभी मायावादी हैं और वो परमात्मा और इस प्रकार से जो भगवान के गौण नाम हैं, अंतर्यामी, जगदीश या ईश्वर, परम नियंता इत्यादि, वो तो उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण, गोविंद जो भगवान के मुख्य नाम है, उनका उच्चारण नहीं कर पाते। और इनफैक्ट वो तो भगवान के रूप को निराकार बता करके निरंतर भगवान के रूप के प्रति अपराध करते हैं। तो वहाँ तपन मिश्र, चंद्रशेखर आचार्य और एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ये महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पे तो लोग घोर मायावाद सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और सब सन्यासी हैं। प्रकाशानंद सरस्वती, आई थिंक 10,000 से 60,000 उसके सन्यासी डिसाइपल थे, आप सोचिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो इनसे बचा करते थे, खासकर जब फर्स्ट टाइम महाप्रभु पूरी से वृंदावन जा रहे थे तो महाप्रभु ने इनका संग नहीं किया, अलग ही रहते थे इनसे। और सबको पता था कि ये केशव भारती के शिष्य यहाँ पर आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नाम है, अब क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु नाम है, केशव काश्मीरी को उन्होंने हराया था, तो ऐसे निमाई पंडित की बहुत ख्याति थी, ऐसा नहीं है कि वो कोई साधारण सन्यासी थे। तो वाराणसी में भी उनके ख्याति, यश जो है, सब जानते थे कि कौन है, लेकिन फिर भी, और भारतीय संप्रदाय के हैं, लेकिन फिर भी मायावाद सन्यासी लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी मायावादियों का संग नहीं करते थे। लेकिन रिटर्न में जब वृंदावन से महाप्रभु वापसी आए और वाराणसी में रुके और सनातन गोस्वामी का 2 महीने शिक्षा भी दिया, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इन मायावादियों का क्या करना है, उद्धार करना है। तो अब जैसे जानते हुए कथा, महाप्रभु जाते हैं और उस दिन उस ब्राह्मण ने सबको, सारे बनारस के सन्यासियों को भोज पे बुलाया था, तो उसने महाप्रभु को इन्वाइट किया। जानते थे हालांकि महाप्रभु नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कल मैं आऊंगा। और सब बैठे थे, महाप्रभु वहां पहुंचे तो जहां पैर धोते हैं वहीं महाप्रभु बैठ गए। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने बोला आप यहाँ क्यों बैठे हैं, है ना, आप सामने आइए। तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो आप सब जो है सारों भट्टा, वो प्रकाशानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे सुना है श्रीपाद अपवित्र स्थान है वैसे कि वह अवसाद, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या शोक है आपका, अवसाद, व्हाट इज मेकिंग यू अनहैप्पी कि आप वहां इतनी दूर पवित्र स्थान में बैठे हैं, यहाँ आकर के बैठी है। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं तो बड़े हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ, आप सबके बीच में कैसे बैठ सकता हूँ। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती ने हाथ पकड़ के चैतन्य महाप्रभु को क्या किया, वहां पे सबके बीच में बैठाया। पूछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य ताते तुम्हें धन्य। वो कहने कि आपका नाम, आप केशव भारती के शिष्य हो, श्री कृष्ण चैतन्य महा श्री कृष्ण चैतन्य आपका नाम है और आप धन्य हैं, और फिर आप वाराणसी में हो, हमारे गांव में हो, तो हमारा संग क्यों नहीं करते, हमसे तो मिलने से भी कतराते हो। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने ऐसे पूछा उनसे, और आप सन्यासी हो और ये भावुकों भावुक लोगों की तरह, पागलों की तरह आप संकीर्तन कर रहे हो, नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जय सीतानाथ हनुमान की, जैसे जो है उनको बोले कि ये ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हो और वेदांत का अध्ययन छोड़ दिया आपने, जो सन्यासी का धर्म है, और यहाँ पे आप बस डांस कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, और आपका प्रभाव ऐसा है, क्योंकि महाप्रभु बैठे तो उनका दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा था, तो बोले नारायण के समान आप प्रभावशाली हो, तेजस्वी हो, और ये ऐसे पागलों जैसे हीनाचार, एकदम बेवकूफों जैसे आप कार्य कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो महाप्रभु क्या कहते हैं, जय श्री सदा पार्षार्थी की, जय श्री गौणता की, जय। प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरा मूर्ख देखी करी लाशासन। क्या कह रहे हैं कि सुना श्रीपाद, इसका कारण जानिए कि मेरे गुरु ने मुझे क्या बोला कि आप तो एक नंबर के मूर्ख हो, वेदांत वेदांत क्या समझोगे, इसीलिए क्या करो आप, गुरु मोरा मूर्ख देखी करी लाशासन, मूर्ख तुम्हें तो मारना है का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपा सदा यही मंत्र सार। बोले तुम तो मूर्ख हो, वेदांत वेदांत क्या समझेगा, तुमको क्या पड़ेगा, इसीलिए आप क्या करो, बस ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया इसके अंदर भी। तो बहुत सारी महिमा हरिनाम की हम कंपाइल कर सकते हैं शास्त्रों से, मैं से 5 पॉइंट मैंने इसमें चर्चा किया। सबसे पहला इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सदैव करता रहता है
तो वह पहले से भाव सागर पार कर चुका होता है। यदि कोई निरंतर नाम जप कर रहा है, ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, है ना। वो हो सकता है संसार में हो, लेकिन वो जीवन मुक्त है, कीर्तनीय है सदा हरि ही, यू नो। और ऐसा लग सकता है शायद कि मुक्त आत्मा तो नहीं है, इसको भी भूख प्यास सता रही है, कभी नींद सता रही है, तो इसको कैसे समझा जाए। लेकिन यदि कोई सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, तो हो सकता है वो भौतिक धरातल पे कार्य कर रहा हो, लेकिन बस समय की बात है, यू नो, इट्स मैटर ऑफ टाइम ओनली दैट जैसे ही यहां पे भौतिक जगत में उसका इस देह का कार्यकलाप समाप्त होगा, वह आध्यात्मिक जगत में ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, ऐसा है। तो ये एक सर्वप्रथम बात है, वो लिबरेटेड है, ऑलरेडी मुक्त है। और इस मुक्ति के लिए ऐसा नहीं कि उसे कोई उच्च कुल में जन्म लेना हो। यदि कोई बिल्कुल महापापी निम्न योनि में भी है, तो भी यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन सदैव कर रहा है, तो वो मुक्त माना जाएगा। और हो सकता है बहुत बड़ा पापी भी रहा हो अपने काल के अंदर, पापी तापी क्या दीन ही न जाता छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई तो जगाई मधाई ज्यादा पापी भी कोई क्यों ना हो, और कोई बहुत ही निम्न कुल में जन्म लिया हो, किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खसादय ये अन्य च पापा यदपा श्रय श्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस इत्यादि ये सब वर्णाश्रम के बाहर हैं, मतलब बहुत ही पंचमस और उससे भी नीचे हैं। अगर ऐसे भी कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या है, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, वे शुद्ध हो जाते हैं, यू नो, क्योंकि भगवान के संग करने से, भगवान का नाम का जप करने से, भगवान की भक्ति करने से, और विशेषकर भगवान के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, मुक्त भी हो गया और चाहे निम्न कुल में अनक्वालिफाइड से अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी क्यों ना हो, और उसके बाद ऐसा लिखा है कि उसे वेदांत समझने की भी के अध्ययन करने की आवश्यकता से परे समझा जाता है। हो सकता है वो निपट मूर्ख हो, वैसे अनपढ़, जैसे गौर के दाजी महाराज अंगूठा छापते, तो हो सकता है कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से उसके पास कोई शिक्षा ना हो, कोई क्वालिफिकेशन ना हो, है ना, और उसको ग्रंथ वगैरह भी कोई ज्ञान भी ना हो, लेकिन यदि उसे इतना जानकारी है कि भगवान के नाम का जप करना है, मैं भगवान का दास हूं, बस वो जो है कंप्लीट है। हालांकि प्रभुपाद कह रहे हैं ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम जप कर रहे हैं तो श्रीमद भागवतम और वेदांत इत्यादि का अध्ययन ना करें। वो कह रहे देखिए महापुरुष सदैव कीर्तन कर रहे थे, लेकिन जब समय आया तो पूरे वेदांत को उन्होंने प्रस्तुत किया। वेदांत नहीं पढ़ेंगे तो व्यक्ति सहजिया बन सकता है, और कोई वेदांत पढ़े, वेदांत मतलब शास्त्र इत्यादि पढ़े और हरिनाम का जप ना करे तो वो मायावादी बन सकता है। तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन और हरिनाम का जप पैरेलल होना चाहिए, लेकिन शास्त्र अध्ययन का निष्कर्ष होना चाहिए क्या, भगवान के नाम का जप, भगवान के प्रति शरणागति। और कपिल देव जी अपनी माता को कह रहे हैं, अहो बत श्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्त जुहुवसस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। वो कह रहे हैं यदि कोई चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में सभी तरह की तपस्याएं संपन्न कर ली होगी और सारे वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए होंगे। मतलब अब उसे किसी प्रकार के संस्कार की, किसी प्रकार के यज्ञ जप तप की आवश्यकता नहीं है। कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ रहा है या पीएचडी कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, तो ये समझ सकते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ के आया, प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कॉलेज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब करके आया है, ये आप मान सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है तो आप मान लीजिए कि वो जितने भी पुण्य कर्म है, अध्ययन है, जप, तीर्थ यात्राएं हैं, यज्ञ है, तपस्या है, व्रत है, होम है, वो सब कर चुके हैं। वो ऑलरेडी मतलब सीनियर सेकेंडरी मैट्रिक और सब ग्रेजुएशन प्रोजन कर चुके हैं, अब वो जो है फाइनल स्टेज के ऊपर है, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, यू नो। इसीलिए भगवान के, ये भगवान के नाम की महिमा है। आप यही प्रवत कर रहे हैं, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं, कैसे वो इतना महान हो गया, भगवान के नाम में कहां से इतनी शक्ति आई, ये सब रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है इसको। और इन तात्पर्य प्रवत करेंगे, श्रौत वाक्य है, यानी शास्त्रों के वाक्य, आध्यात्मिक गुरु के वाक्य, इस पर विश्वास करना चाहिए।
ऋग्वेदो यथयजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वणः अधीनास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो हरि इन दो अक्षर का जप करता है, समझ लो कि उसने चारों वेद पढ़ लिए हैं, वो ऑलरेडी चतुर्वेदी है ना, उसको अलग से वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रचरण। कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कि भगवान के नाम का जप करने से इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रचरण, कि कृष्ण के नाम का जप करने से क्या है, कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति होती है। लेकिन निस्संदेह इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो कि कृष्ण और भगवान का नाम, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, आइडेंटिकल है, ये बात प्रभुपाद लगभग हर तात्पर्य के अंदर, 20 श्लोकों के 20 तात्पर्य के अंदर और कई कई बारी बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं, जब मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, तो वह पवित्र भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है। इसलिए जैसे हम भक्त जप कर रहे हैं, तो जब तो कर ही रहे हैं, तो कॉन्शियसली की बजाय क्या कर लें, सॉरी अनकॉन्शियसली करने की बजाय क्या कर लें, कॉन्शियसली कर लें, इनअटेंटिवली जगह अटेंटिवली कर लें, है कि नहीं। जब तो कर ही रहे हैं, समय दे ही रहे हैं, ताकि इस बात को हम समय से रियलाइज कर सकें, कि ये रियलाइजेशन हमें प्राप्त हो सके कि भगवान और भगवान का नाम क्या है, अभिन्न है, दोनों आइडेंटिकल है ना। और ऐसा भाव को रखते हुए यदि कीर्तन करता है, नृत्य करता है, जप करता है, तो ऐसे भावमय कीर्तन करने वाले और नाचने वाले को भगवान से सीधा संबंध है, ऐसा समझना चाहिए कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ में, यह समझ लेना चाहिए। हमें समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन यह हमें जान लेना चाहिए कि उसका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के प्रति आसक्त है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर आसानी से मिल जाता है। जब वह भगवान तथा उनकी शक्ति को हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा संबोधित करता है, तो सारे प्रामाणिक शास्त्रों एवं सारे ज्ञान का सार विद्यमान रहता है, क्योंकि यह दिव्य ध्वनि बद्ध जीव को पूरी तरह मुक्त करके उसे सीधे भगवान की सेवा में लगा देती है। तो हमें उस स्तर पर आना है जहां पर हम इस बात को हमें रियलाइजेशन हो सके, नहीं तो कम से कम थ्योरेटिकल कन्विक्शन कि भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। नाम बिनु कलि काले नाही आरा धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एहि शास्त्र मर्म। नाम बिनु कलि काले नाही आरा धर्म, इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्त्रोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। सारे शास्त्रों का तात्पर्य, सारे वैदिक स्रोतों का सार क्या है, कि भगवान के नाम का कीर्तन जो है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है ना। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वर्तमान युग में हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि ही एकमात्र विधि है जो भौतिक कलमश से परे दिव्य स्थिति में है। पवित्र नाम बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है, इसीलिए यहां पर सर्व मंत्र सार कहा गया है ना। तो ये दूसरा पॉइंट था कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, उस आइडेंटिकल है। और इसी के अंदर प्रभुपाद जी एक और बात कह रहे हैं कि जो है भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कोट करते हुए कि कलयुग में, ये तीसरा पॉइंट है और वही बात आज के तात्पर्य में बोली गई है, मैं एग्जैक्टली पढ़ता हूं। सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में गुरु शिष्य परंपरा पद्धति के नियमों का कड़ाई से सम्मान होता था, किंतु वर्तमान युग अर्थात कलयुग में लोग इस श्रौत परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की उपेक्षा करते हैं, चैलेंज करते हैं ना, सीधा कोई भी चीज होगी आज आप बोल रहे होंगे, लोग गूगल कर रहे होंगे, सही बता रहे गलत बता रहे है कि नहीं, और उस बात पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्यों है, हम तो नहीं मानते, इस प्रकार से आप देखिए। और ये लगता है कि बहुत बुद्धिमता का लक्षण है, ये कलयुग का लक्षण है, वास्तविकता के अंदर बुद्धिमता का लक्षण नहीं। बुद्धिमता ये है कि जब हमारे प्रामाणिक आचार्यों ने, टीचर्स ने, गुरुओं ने रिसर्च कर लिया है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। भाई दो और दो चार होता है इसमें क्या ही रिसर्च कर लेंगे आप, है कि नहीं। आप रिसर्च करते रहो, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सब लगाते रहो, क्या मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। दो और दो चार ही होने वाला, से समय बर्बाद होने वाला है।
तो आजकल के लोग रिसर्च करने में, समय बर्बाद करने में बहुत लगता है, ये बुद्धिमत्ता है। एनी हाउ, तो इस लोक में लोग यह, इस युग में लोग यह तर्क करते हैं कि अपने सीमित ज्ञान तथा अनुभूति से परे जो कुछ है उसे विज्ञान के तथाकथित अवलोकन तथा प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। वे यह नहीं जानते कि वास्तविक सत्य तो मनुष्य को अधिकारी व्यक्तियों से प्राप्त होता है। यह तर्क करने की प्रवृत्ति वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है और जो ऐसा करता है उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन होता है कि कृष्ण का पवित्र नाम स्वयं कृष्ण जितना ही अच्छा है। क्योंकि कृष्ण एवं उनका नाम अभिन्न है, अतः पवित्र नाम शाश्वत रूप से शुद्ध तथा भौतिक कलमश से रहित होता है। पवित्र नाम भौतिक ध्वनि से सर्वथा भिन्न है, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा पुष्टि की गई है। गोलोकेरा प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तन, कि जो हरिनाम संकीर्तन है क्या है, गोलोक से आया है। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट है कि इसमें कोई रिसर्च ना संशय रखने की जरूरत है और ना रिसर्च करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट प्रभुपाद जी आगे वाले मंत्र में अभी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एत बोली एक श्लोक सिखाइला मोरे कंठे करी ए श्लोक करी ह विचारे। तो मेरे गुरु ने इतना बोला कि हरे कृष्णा कीर्तन करो, फिर एक मंत्र मेरे को सिखाया, वो मंत्र कौन सा है, हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और बोला कि इस मंत्र को अपने कंठ के कंठे करी ए श्लोक करी है विचारे, इसको अपने कंठ में रखो, है ना। कि क्या है कि इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, है ना। और फिर प्रभुपाद बहुत सारे श्लोक तात्पर्य में कोट कर रहे हैं, कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम रजेत। और इसके अलावा भी मध्वाचार्य से, जीव गोस्वामी से और नारद पंचरात्र से अनेक अनेक प्रभुपाद जो है टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अब चौथी पॉइंट कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना दिव्य है, कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश करता है, तो भाई कोई बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो तो बड़ी रेयर होती है, दुर्लभ होती है, महंगी होती है, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कोई पैराफर्निलिया कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं है। मतलब मान लीजिए पंजाबी बाग से भी राधा पाठशार्थी आने में भी मेट्रो रिक्शा भाड़ा मिला के 100 रुपया खर्चा हो जाएगा अगर आएंगे तो, लेकिन गोलोक वृंदावन जाना कितना सस्ता है, 20 रुपए की माला 20 रुपए की थैली है, 40 रुपए में आप जो है गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो कोई खर्चा नहीं है, आप सोचिए, है ना, रिक्शे में तो बैठने का पैसा है मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ भगवान के धाम जाना है, इसलिए कोई पैराफर्निलिया की आवश्यकता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, ये इतना शक्तिशाली है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए किसी साज सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ने के फल स्वरूप सारे वांछित फल तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई आवश्यकता ही नहीं है भगवान का, खासकर हरिनाम का जप करने में। डीटी वर्षिप में तो हमें अनेक उपचार चाहिए, षोडश उपचार के लिए सामग्री चाहिए, पोशाक चाहिए, फूल चाहिए, माला चाहिए, तुलसी चाहिए, है ना, पवित्रता चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए हमको। लेकिन हरे कृष्णा कीर्तन करने में क्या चाहिए, प्रभुपाद जी एक लिख रहे हैं कि करताल मृदंग पंचतत्व के फोटो सामने रखिए और कीर्तन कीजिए, यही उनकी वर्षिप है। और यदि करताल मृदंग भी ना हो, मान लीजिए कोई बहुत गरीब आदमी है, करताल मृदंग अफोर्ड नहीं कर सकता, बजाना नहीं आता है, तो भी क्या है, सब लोग में ताली मारो और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बस आप जो है भगवान के पास भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो महाप्रभु ने क्या किया, आप देखिए, महाप्रभु से गुरु से कोई तर्क नहीं किया, महाप्रभु ने क्या किया, कोई रिसर्च नहीं किया, क्या किया, ए आज्ञा पाई नाम लई अनुक्षण नाम लई लईते मोर भ्रांत हैला मन। बस मैं उसके पास निरंतर नाम जप करता रहा और नाम जप करते करते मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं ना थोड़ा मोहग्रस्त हो गया हूं, पागल हो गया हूं। धैर्य धरी ते नारी हैला मा उन्मत्त हासी कांदी नाची गाई ऐछे मद मत। तो बस मैं जान के एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, अपने आप ही मैं कहीं पागल की तरह हंसता हूं, रोता हूं, नाचता हूं और गाता हूं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे सारे ज्ञान को आच्छादित कर लिया, कवर कर लिया है। तो पागल हैला आमी धैर्य नाही मने एत चिंति निवेदि लो गुरु रचरणे। तो मैंने देखा कि मैं हरे कृष्ण जप कर रहा हूं, पागल हो जा रहा हूं। तो गुरु जी के पास गया और उनसे पूछा, क्या पूछा, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारे बल जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। कि हे गोसाई, क्या मंत्र दिया आपने मुझे, इसके जप करने मात्र से तो मैं पागल हो गया हूं। हासाय नाचाय मोर कराय क्रंदन
एतशुनि गुरु हासि बलि ला वचन। तो बोले मैं कभी हंस रहा हूं, कभी नाच रहा हूं, कभी रो रहा हूं, कभी गा रहा हूं। जैसे मैंने बोला अपने गुरु महाराज को, बड़े हंसने लगे, प्रसन्न हो गए और क्या बोल रहे हैं, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जप तार कृष्ण उपजाए भाव। बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति है, ये स्वभाव है कि जो कोई भी इसे कीर्तन करता है तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेमपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसा है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये इतना दिव्य है, और ये पांचवा पॉइंट है कि इस कृष्ण नाम के कीर्तन में इतना दिव्य आनंद है कि इसके सामने इस जड़ जगत का आनंद तो छोड़िए, जितने भी भौतिक आनंद है या इवन आध्यात्मिक आनंद भी है वो सब इसके सामने एकदम, मतलब जैसे सूर्य के सामने वो होता है क्या, ग्लोबम जुगनू जुगनू, अब वो सूर्य के सामने जुगनू का क्या पता लगेगा, ऐसा है बिल्कुल। कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ जार आज्ञा तृणतुल्य चारी पुरुषार्थ, कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब, ये जो प्रेम पंचम पुरुषार्थ है इसके सामने क्या है, तृण कूड़े के समान, ये घास के तिनके के समान है, तुच्छ है एकदम। और परम पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। और इतना ही नहीं, इस प्रेम में, प्रेम के सागर, अमृत के प्रेम रूपी अमृत के सागर में जो आनंद है उसके सामने तो मोक्ष इत्यादि का आनंद यानी जो ब्रह्मानंद है वो भी क्या, एक बिंदु के समान है, है ना, वो पूरा सागर और ये एक ड्रॉप बस। कृष्ण नामे रफल प्रेमा सर्वशास्त्र कहे भाग्य से ही प्रेमा तोमार करी ल उदय। तो सारे प्रामाणिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि मनुष्य को अपना भगवत प्रेम, सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए, और तुमने पहले से ऐसा कर लिया इसलिए तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। और भगवत प्रेम की विशेषता है कि स्वभाववश यह मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। और जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वभावतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। और इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, भाल हैला पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ तुम्हार प्रेमे ते आमी हैला कृतार्थ। भाल हैला, बहुत बढ़िया हुआ कि पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, कि आपने इस प्रेम के परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया है और मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं और तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया है। तो अब क्या करो आगे, अब जब छोड़ दो भैया, जब प्राप्त कर लिया है तो खत्म कर देते हैं, नहीं अब आगे क्या करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। हे पुत्र, फिर भी यहीं पे बात आ रही है कि ना, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, भक्तों के साथ तुम नित्य और कीर्तन करना चालू रखो, बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, और क्या कह रहे हैं, उसका भक्त कीर्तन चालू रखो और भक्तों की संख्या को और आगे बढ़ाओ, इस प्रकार से ये उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश है। और फिर चैतन्य महाप्रभु और श्लोक कोट करते हैं शास्त्रों से और फिर प्रकाश से कहते हैं कि देखिए मैं सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और महाप्रभु के वाणी सुन के वो सभी जो सन्यासी थे इतने गदगद हो जाते हैं, बोले ये बात तो आपने बिल्कुल सच्चे सत्य बोली, कोई रिफ्यूटेशन नहीं, और हरे नाम ये कहलम, ये श्लोक को तो ऐसे रिफ्यूट नहीं कर सकते थे, है ना। तो अब नेक्स्ट डिबेट चालू होगी इनके, वो पूछेंगे एक बात आपसे पूछें, और बोलिए पूछिए, बोले वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो आप, है ना। और इसके ऊपर भी महाप्रभु पूरा वेदांत दर्शन और खास चतुर्श्लोकी भागवतम और विवर्तवाद और शक्ति परिणामवाद इनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है वेदांत दर्शन का। लेकिन कुल मिला के बात है कि हरिनाम की जो महिमा है वो अतुलनीय है और अचिंत्य है, तो उसमें पूर्ण श्रद्धा रख के हमें भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में मुक्त होने के लिए जितने कर्म कांडों की आवश्यकता है उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता है, ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए सारे शास्त्रों और सारे आचार्यों ने यही संस्तुति की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। तो अभी 10 मिनट है, तो मैंने सोचा था कि एक भगवान के नाम की महिमा के ऊपर एक बहुत सुंदर भजन है, इसको बोलते हैं हरे नामाष्टक या केवलाष्टकम। तो ये मैं सोचा कि जो है इसमें भगवान के नाम की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, है ना। वो कह रहे हैं मधुर मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरे नामैव केवलम, कि सभी मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर, सभी शुभ वस्तुओं से भी अधिक शुभ,
समस्त पवित्र करने वाली वस्तुओं में अत्यधिक शुद्ध पवित्र करने वाला श्री हरि का पवित्र नाम ही केवल सब कुछ है। और ब्रह्मा जी से लेकर सारा ब्रह्मांड एक निम्न घास के जून तक भगवान की माया भौतिक शक्ति का उत्पादन है। केवल एक ही वस्तु वास्तविक आध्यात्मिक है, वो क्या है? भगवान हरि का नाम ही सब कुछ है। और जो व्यक्ति ये शिक्षा देता है कि भगवान का पवित्र नाम ही सब कुछ है, वही व्यक्ति एक सच्चा समझने परखने की क्षमता रखने वाला है, वही सच्चा पिता, सच्ची माता, सच्चा मित्र है, वही सच्चा गुरु है। और ये निश्चित नहीं है कब आखिरी सांस आ जाए और हमारी सारी योजनाओं पर रोक लगा दे। इसलिए बुद्धिमता है कि बचपन सदा नाम जप या का उच्चारण का अभ्यास करें। श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। मृदंग है, मृदंग कोई बजा ले। मधुरम मधुरे भ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम पावनम पावनेभ्यो अपि हरेर्नामैव केवलम्। मंगलेभ्योपि दो बीट आता, दो बीट बजा लो, दो बीट बजा लो। आब्रह्मास्तं बपरयन्तं सर्वमायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्। पर्यन्तं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं स गुरु स पिता चापि स माता बान्धवोऽपि स शिक्षा ये चे सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम्। पिता चापि सामाता बांधवो पिसा शिक्षा ये चे सदा स्मर्तुं निःश्वासे नहि विश्वास कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यान् हरेर्नामैव केवलम्। कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनीयमतो बाल्यान् हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम्। यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन इसमें कह रहे हैं कि भगवान वहां वास करते हैं जहां पर भगवान के महान भक्त शुद्ध भक्ति के भाव से भगवान नाम का गान करते हैं। एकमात्र श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। ओह कितने दुख की बात है, कितना बड़ा दुख है। संसार के अन्य किसी दुख से भी अधिक कष्टदायक केवल एक कांच का टुकड़ा समझकर लोग इस रत्न को भूल गए हैं। केवल श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। बार बार अपने कान से इसका श्रवण करना चाहिए, बार बार अपनी वाणी से उच्चारण करना चाहिए, इसे नए सिरे से निरंतर गाते रहना चाहिए।
केवल श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। इससे संपूर्ण जगत एक घास के तिनके के समान महत्वहीन प्रतीत होता है। यह वैभवपूर्ण तरीके से परम भगवान का समस्त लोगों पर शासन करवाता है। यह शाश्वत रूप से चेतन दिव्य प्रभाव से पूर्ण है, श्रेष्ठ रूप से शुद्ध है। केवल श्री हरि का पवित्र नाम ही सब कुछ है। अहो दुखम महादुखम दुखा दुख परम यत काचायम वे स्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम्। दुखा दुख तरम यत हरेर नामैव केवलम्। दीयताम दीयताम कर्ण नियताम नियताम वच गीयताम गीयताम नित्यम् हरेर नामैव केवलम्। नियताम नियताम वच गीयताम गीयताम नित्यम् हरेर नामैव केवलम्। त्रिणेकृत्य जगत् सर्वं राजते सकल परम् चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर नामैव केवलम्। जगत् सर्वं राजते सकल परं चिदानन्दं हरेर नामैव केवलं। हरेर नामैव केवलं। हरेर नामैव केवलम्। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई टिप्पणी हो प्रभु जी, कोई करेक्शन इन्हीं के द्वारा, एनी कमेंट्स करेक्शंस? बहुत बढ़िया है। तो पहली बार सुना हमने नामा 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 अष्टकम केवल। बहुत आवाज आ रही है ना? तो मैं ये कह रहा था कि हम इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं तो हमारे में तो अभी कोई कोई भाव नहीं उत्पन्न होता। एक फिर अपराध है, क्या कारण है? एक कारण तो निश्चित रूप से अपराध है ही है, दस नाम अपराध। तभी आप देखिए जब भी अन्नाम दीक्षा होती है तो हमेशा प्रभुपाद जी भी और जितने भी अन्य गुरु हैं वो सब उस दीक्षा के अंदर यही कहते हैं कि दस नाम अपराध से बचना चाहिए जब हरिनाम दीक्षा है, और हमेशा दस नाम पर चर्चा की जाती है। तो एक तो निश्चित रूप से ये है ही है। और अब कोई ये कह सकता है कि फिर भाई अपराध नाम करें तो रिजल्ट नहीं मिलेगा? नहीं, अपराध नाम भी एक स्टेज है भगवान नाम के जप करने की। जैसे तीन स्टेज है, नाम अपराध, आभास नाम और शुद्ध नाम। तो एक श्लोक है, मुझे श्लोक तो याद नहीं है, उसका पहला वर्ड ऐसा है भूमि स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो ऐसा ग्राउंड पे जमीन पे गिर जाता है, तो गिर जाता है तो धरती थोड़ी अपराध लेती है कि मेरे पे गिर गया, नहीं, उसी जमीन का सहारा लेके वापस उठता है। तो ऐसे ही हरिनाम प्रभु बहुत दयालु है। यदि हमसे अपराध गलती होती भी है तो हम उन्हीं हरिनाम प्रभु का सहारा लेकर के दोबारा उठ सकते हैं।
तो उसके लिए क्या विधि जो हमारे आचार्यगण अलग अलग हरिनाम चिंतामणि भक्तों ठाकुर इत्यादि अन्य अन्य ग्रंथ के अंदर हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली वन शुड प्रैक्टिस चैंटिंग द होली नेम, निरंतर जाप करने से ही नाम अपराध जो है वो दूर हो सकेंगे। तो जैसे हमने मैंने बहुत बारी मोहन रूप खासकर गुंडीचा महाजन के समय कभी आते थे तो बोलते हर सेवा के साथ हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 16 मतलब ऑफकोर्स मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कैसे 16 माला खत्म कर देता हूँ बस, लेकिन 16 माला खत्म नहीं करना है वास्तविकता के अंदर, है ना। और हमारा अभ्यास ये होना चाहिए कीर्तन ये सदा हरि है, तो ये हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। 16 माला मिनिमम है, इसलिए हमेशा बोला था मिनिमम डेली, लेकिन हमारा अभ्यास ही होना चाहिए। मेरे को एक बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था एक ऐसे भक्त संग करने का, 20-25 दिन एक वरिष्ठ भक्त है, तो वो रोज लगभग 64 माला करते थे, आज भी करते हैं, और उसके साथ सुबह उठते से ही वो इवन ब्रश भी कर रहे होंगे, और उनका रोज का नियम क्या मतलब, अभी तो अनकॉन्शियस हैबिट था उनका, नियम बोलना तो फिर भी होता है कि थोड़ा नियम मतलब हुआ है, उनका हैबिट था ब्रश करते हुए नहाते हुए किधर भी गौरांगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा गौरांगा नित्यानंदा, है ना, बस कंटिन्यूअसली। मैंने ऐसा कर रखा था कि कोई भी टाइम को मिलेगा बस, और मैं जब साथ में भी था तो कह रहे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, और वो भी जब कर रहे मैं भी जब कर रहा, मायापुर से एक चक्र जा रहे हैं, अब मुझे गाड़ी में तो बहुत नींद मतलब वैसे ही बैठते नींद आती थी, और उस समय तो थके हुए ट्रैवल करके आए तो नींद आ रही, तो दो चार बार तो उन्होंने उठाया, फिर एक बार बहुत गुस्सा हो गए, कह रहे आपके गुरु महाराज ऐसे जब करते हैं और वो आपको ऐसे सोता हुआ देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, उसके बाद मेरे को नहीं आया। मैंने कहा सोना भी होगा तो मैं छुप के सोऊंगा लेकिन सामने नहीं सोऊंगा। तो ये है कि मतलब नाम का पूरा ध्यान पूर्वक जप करना, प्रीति पूर्वक करना, और जो है और खासकर एक और उपाय जो इसमें बताया जाता है वह उन भक्तों का जिनका नाम के प्रति रुचि हो। तो एक बार नवदीप मंडल परिक्रमा के अंदर हमारे कुछ भक्त जो है नरसिंहपल्ली से फर्स्ट डे जाते हैं जो हरिहर क्षेत्र, तो बहुत लंबा वॉक होता है, तो गोपाल कृष्ण महाराज हमारे गुरु महाराज के साथ भक्त जा रहे थे, तो महाराज ने पहली बार पूछा कितना दूर है, तो भक्तों ने पूछा महाराज दूर है, गर्मी हो रही थी तो थोड़ी देर महाराज और कितना लंबा है, तो बोले महाराज भिक्षा कर लेते हैं या वापस चलते हैं, है ना, तो फिर महाराज थोड़ा और कितना समय, तो भक्त ने बोला महाराज और आधा घंटा लगेगा जितना भी समय लगेगा। तो अब उन भक्तों ने सोचा कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, महाराज को बोला महाराज वापस चलते हैं रिक्शा कर लेते हैं गाड़ी बुला लेते हैं, महाराज बोले नो नो आई लाइक लॉन्ग वॉक्स बिकॉज यू कैन चैंट मोर लंबा वॉक है। देखिए है ना, एक और इंसिडेंट हुआ ऐसे ही कि एक मायापुर में थे महाराज, तो एक भक्त हमारे उस समय वहां पे कुछ कोर्स करने गए थे सीख रहे थे, तो वो महाराज से मिलने के लिए गए, तो महाराज ने उनको बोला था वहां मिलने के लिए, तो अब सब चले गए जब मिलने रात के समय ऐसे 9:30 पता नहीं जितने 9:30 बजे थे करीब, तो सब चले गए, तो ये अंदर आए, तो इनको ये था कि मसाज करेंगे, अच्छा मसाज भी करते थे, काफी साल हो गए 10-11 साल हो गए होंगे, तो महाराज उनको महाराज कुर्सी बैठे थे, तो बोले यस, तो बोले महाराज वो मसाज के लिए आया था, महाराज कह रहे अच्छा ठीक है थोड़ी देर में करते हैं, फिर उनको बिठाया, यू नो टुडे इज एकादशी, कह रहे आज एकादशी है वी शुड चैंट मोर, तो वो वक्त सोचा अभी 9:30 बजे तो महाराज सोने को जा रहे होंगे, लेकिन महाराज ने उसका एक घंटा कोई नहीं रूम के अंदर महाराज जब किया, उस भक्त को साल बिठा के एक घंटा जब किया 10:30 बजे जाकर जो है। तो मतलब मैं कहने का मतलब है कि जब ऐसे भक्तों का हम संग करते हैं, देखते हैं कि ऐसे जिनके भगवान को इतना में रुचि हो और उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करके, तो हमारे अंदर रुचि जागृत होती है और प्रेरणा ही प्राप्त होती है कि हम भी ठीक प्रकार से जप कर सके लौले जा सके। और मान लीजिए हम ऐसी जपा लॉबी में हैं जहाँ पे सब जप कर रहे हैं, सो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो हमें लगेगा शायद जप ऐसे ही होता है, क्या फर्क पड़ता है, हरिनाम तो बहुत दयालु है, है ना, तो दयालु जरूर है लेकिन वो एक व्यक्ति है देखिए, तो जब हम उनसे अगर ऐसे नेग्लेक्टफुली डील करेंगे तो हरिनाम अपराध भी लेते हैं, इसीलिए अपराध लेते हैं क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है आध्यात्मिक। ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को समझ में आए। थैंक यू बोलिए। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे।